पार्किंग चार्ज कितना है? 30 रुपया। ठीक है। सो फिलहाल आप लोगों ने देखा और दादरी मेले के अंदर जो पार्किंग चार्ज है वो है 30 रुपीज। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, जैसे आप अंदर घुसते हैं पता नहीं आप जैसे ही आप मेले के अंदर घुसते हैं दोनों तरफ ये आपको शॉपिंग के आपको सामान मिल जाएंगे। हालांकि इनकी मैं क्वालिटी के बारे में ये तो नहीं कहूँगा कि दैट इज़ बेस्ट, बट अगर आप आते हैं अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन बाय। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही है, दिखाता हूँ एक बार। खजला कैसे दे रहे हो भाई साहब, कैसे देते हो? 50 का एक है। 50 रुपये का एक किलो के हिसाब नहीं होता है? 160 रुपये किलो है। कितने? 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो। तो ये एक 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 कितने ग्राम का होता है? एक 200 ग्राम करीब है। 200 ग्राम का। क्या नाम है इसका? खजला। इसके और कुछ बनाते हैं आप? इसके अलावा बस खजला बनाते हैं बस। तो कहाँ, यहीं बलिया से या फिर बाहर से? बुलंदशहर तो काफ़ी दूर है यहाँ से। चले ठीक है जी। सो 260 रुपये एक किलो और 50 रुपये का एक आपको बताया गया। क्या है इनके पास? अच्छा, सारे का सारा आपका फीमेल का सामान है ना? पीछे भी है, पीछे भी लगा है। कंघी का क्या प्राइस है? कंघी का क्या दाम है? 10 रुपये। 10 रुपये आपके पास सारा सामान कितने का है? सारा सामान होगा 4-5 हज़ार का। नहीं नहीं, अलग 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 रेट है। हाँ अच्छा भाई, पूछ रहा था ना। हाँ। सेल तो नहीं लगा रखी आपने? नहीं नहीं, सब अलग अलग रेट। इसका क्या दाम है? कंगन है। क्या दाम है? 100 रुपया। और अंगूठी? 10 रुपया। सारी की सारी सबका अलग अलग रेट है, सबका अलग अलग रेट है। एकदम मैंने पूछिए मत, बुरा हाल है, बिल्कुल निराश हुआ। हम ही नहीं निराश है, सभी लोग निराश हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ? और कुछ कहाँ पर? हाँ, इस मेले में हम लोग दुकान जब लगाते हैं तो इसमें प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जाकर दुकान लगवाई जाए। यहाँ के जो शहर के आसपास जो नज़दीक में रहते हैं, यहाँ पे गुंडा लोगों का राज चल रहा है। वो गुंडाई के बल पे दुकान लगवाते हैं, पैसा लेते हैं और जो पुराने दुकानदार हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाता है मारपीट के। हम लोग की दुकान यहाँ 10 लगती थी, 12-12 फीट में, 6-6 फीट में दुकान लगी है। ये सब गुंडाई के बल पे हुआ है। सब गुंडा लोग आते हैं और मारपीट के दुकान वकान हटा देते हैं। केवल प्रशासन पैसा लेने के लिए आती है, दुकान लगवाने के लिए नहीं आती है। तो उनको पैसा चाहिए। चलिए ठीक है। दुकानदार मर जाए उसके लिए ना पुलिस है ना कोई, ना चेयरमैन साहब है। हाँ, उनको केवल पैसा से मतलब है, दुकानदारों से नहीं मतलब है। चलिए ठीक। क्या कहना चाहेंगे इस मेले के बारे में? अरे मेला के बारे में यही है कि बहुत स्थिति खराब है। ठीक है, जो चेयरमैन साहब किए हैं वो अच्छा नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है, खुश है। हाँ, हमारा पता है यारपुर बेदुआ रवि कुमार वर्मा। अच्छा, तो मतलब ये सेलिंग ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मतलब अधिकतर लोग खाली बैठे हुए, क्या कारण है आपको क्या लगता है? कारण ये है कि पानी का देन है और कोई बात नहीं। अच्छा, है बारिश की वजह से। हाँ चलिए ठीक है। ओके जी। मेले के ऊपर किसी का नजर लग गया? ना ना ना, ये सब गलत बात है, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। सो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपने अपनी क्वेश्चन अपने अपनी बातों को बताया जा रहा है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, एक ये खन्ना सुपर छोले भटूरे के जो स्टॉल हैं वो लगा रखा है, एक बार दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का है। सो एक मैं YouTube पे वीडियोस देख रहा था, सो वहाँ पे कुछ कहना है आपको? हाँ, मैं जरा एक बार बात कर रहा हूँ।
बोलिए, मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं अभी मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, और यहाँ पे मैंने देखा एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं जो कि हैं बलिया से, और वो कह रहे थे कि इस तरीके के जो स्टॉल्स लगे होते हैं, एक बार मैं दिखाता हूँ, जैसे जो इस तरीके के स्टॉल्स लगे हुए हैं। सो उन्होंने कहा कि इस तरह यहाँ पे स्टॉल्स से काफ़ी अच्छा और टेस्टी खाना मिलता है, बट मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टोर ये स्टॉल्स लगा रखे हैं, उनकी क्वालिटी का कोई वो स्टैंडर्ड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उठती रहती है, और खाना जो होता है हाइजीन का लेवल अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत ही ख़राब होता है। तो फिलहाल इंटरनेट पर सर्च करना, पता चल जाएगा आपको। नाम बताइए। राजेश प्रसाद। हाँ राजेश प्रसाद, क्या है कंसल्टेंसी आपका? मैम बेसिकली हर पले के हर हर सारी चीज़ें कवर करता हूँ, सारी चीज़ कवर करता हूँ। आप यूट्यूब व्यूअर है? व्यूअर नहीं, क्रिएटर हैं आप। क्या नाम है आपका? राजेश प्रसाद। राजेश प्रसाद, क्या उसमें दिखाते हैं आप? मैं सारी चीज़ दिखाता हूँ, बढ़िया से रिलेटेड, चाहे वो होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, कोई भी घटना भी हो, हाँ सब सब चीज़ को क्लियर किया जाता है। राजेश प्रसाद, आर जे ई एस एस पी आर ए एस ए, ठीक है, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है कि जब इस तरीके से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो काफ़ी सारे लोग मुझे घेर लेते हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ से हो आप, किस तरीके की वीडियोस बनाते हो। तो एक बार दिखाता हूँ, हालांकि देखा जाए तो मार्केट में उतनी खास रौनक तो नहीं कहूँगा मैं, बट जो भी है यहाँ पे कुछ इस तरह के चार्ट है, जो कि मैं बिल्कुल भी आप सभी लोगों को सलाह नहीं दूंगा ऐसी जगहों पे खाना ट्राई करने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद कुछ भरोसा नहीं, यहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मैं दिखाता हूँ, ये और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि आप मोस्टली ट्राई कीजिए कि कुछ इस तरह की जो स्टॉल्स होते हैं डोंट ट्राई, क्योंकि क्वालिटी इज़ नॉट गुड। खाने के बाद आपको कब बिस्तर पकड़ना पड़ जाए इस बात की आपकी 100% गारंटी होती है। और डाबर वैद्यनाथ की प्रोडक्ट चौन प्रास रख रखा आपने, है ना जी? इसके अलावा और भी कुछ है आपके पास? नहीं, वैद्यनाथ कंपनी का स्टॉक है। अच्छा, वैद्यनाथ का, मतलब वही कह रहे हैं, वैद्यनाथ तो दवाइयाँ भी बनाती हैं। आयुर्वेद दवाइयाँ बहुत अच्छा दवाइयाँ है, चलिए ठीक है। कितने का ये तकिया का? 100 में 4 है। 100 में 4 है। कब कैसे दे रहे भाई साहब? 60 का 6। 60 रुपए का 6, कोई सा भी ले लो। व्यक्तित्व कैसे निखारे, सेकंड ऑर्डर। छोटे बच्चों के लिए बुक ठीक है। कितने का देते हैं?